हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे है हमारा स्कूबी। जे देखिए, वो अलमारी में यहाँ पे छुपा हुआ है। ये देखिए, ये अपने आप ही ना अलमारी का जो है डोर वो खोल के इस तरह से बैठ जाता है और फिर छुप जाता है। जब इसको खाना खिलाना होता है स्पेशली, उस वक्त ये इस तरह से छुप जाता है, क्योंकि मैडम को ना इसका फेवरेट एक ही चीज़ चाहिए हमेशा, चीज़ चीज़ चीज़। रोज़ इसको चीज़ नहीं ना दे सकते, तो ऐसे करता है, फिर नखरे दिखाता है। तो यहाँ पे सुबह के हम मतलब खाना भी खा लिया, एमरोज़ को मैंने नहला दिया और अभी जो बर्तन है वो मैं धो रही हूँ। तो बाकी सारा काम मेरा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मिस्टर गैरी जो हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड, वो भी मेरे साथ यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे। तो हम दोनों यहाँ पे किचन में बातें कर रहे थे और साथ साथ मैं अपने बर्तन जो है वो धोए चले जा रही थी। और काम तो आपको पता ही है ना कि अभी घर का काम हुआ है, तो अभी बस मैंने थोड़ा बहुत अपने घर को थोड़ा सा सेट किया है, मतलब कि चीज़ें अपनी जगह के ऊपर रखी हैं लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे मैंने किचन थोड़ी बहुत काफ़ी मतलब हद तक साफ़ कर दी है, समझ लीजिए। यहाँ पे बर्तन मैंने सूखे हुए के लिए रखे हुए हैं। तो अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। बेडरूम में आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना जो है वो कॉटन की जो थोड़ी सी बेडशीट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, वो मैं धो रही मतलब तय लगा रही हूँ उनकी, और एमरोज़ का जो ये सब चीज़ें हैं वो लगा रही हूँ, क्योंकि जब नहला के आई थी ना तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से पहले मैंने सोचा बर्तन धो लें, तो एमरोज़ खेली खेली कर रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी साथ ही साथ करती जाऊँगी डस्टिंग। तो डस्टिंग आपको पता ही है कि मैं डेली यहाँ पे बेड के तो आसपास ये चीज़ें तो मैं डेली के डेली 2 से 3 बार भी कर लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली एमरोज़ यहीं पे टाइम स्पेंड करता है और यहीं पे खेलता है, तो मुझे हर चीज़ यहाँ पे एकदम से क्लीन चाहिए। तो मैं यहाँ पे बस इसी तरह से डेली 1-2 बार तो मैं कम से कम करती ही करती हूँ। और बेडशीट जो है अभी मेरी ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, एमरोज़ यहाँ पे नहा के बैठा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही थी अभी देख तुम्हारे मम्मा कितने गंदे लग रहे हैं, तू तो नूनू नूनू सा बन गया है। ये देखिए किस तरह से देख रहा है, तो खिली खिली कर रहा है। ये देखिए आप लोगों को, अभी बहुत मस्ती करता है गाइस, बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगा है, इतना शरारती हो गया है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे क्यूट क्यूट से फेस बनाता है कि पूछे मत, बहुत क्यूट लगता है। तो यहाँ पे डस्टिंग के बाद मेरा हो गया है शुरू झाड़ू। यहाँ पे मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी। पोछे की मैंने क्लिप यहाँ पे नहीं डाली है क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती, तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मेरा हो जाएगा पोछा, और साथ में मैंने कुछ कपड़े जो हैं वो भी रखे हुए हैं मशीन में, वो भी मेरी मशीन साथ ही साथ चल रही है। और ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे मेरी डस्टिंग सारा सेट हो गया, बेड भी सारा मेरा सेट हो गया है। तो ये रहा मेरा बेड, और वो एमरोज़ का पिलो है ऑरेंज से कलर का। तो मेरे रूम में अभी आपको इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। ये देखिए टैडी वगैरह और टॉय वगैरह, क्योंकि एमरोज़ की चीज़ें हैं उसकी आपको मेरे घर में रूम में क्या, घर में आपको हर जगह के ऊपर मेरे ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने बेडरूम ड्राइंग रूम को भी सेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सारा फर्श जो है, सीढ़ियाँ, ये डोर सारा धो दिया है, क्योंकि अभी डोर और विंडो ये यहाँ पे पेंट होना बाकी है। तो मैंने सोचा इनका बर्थडे है, उनके बाद ही मैं उनको बाद में पेंट करवाऊँगी। तो अभी मेरे जो कपड़े डाले हुए थे मशीन में वो मेरे अभी सूख गए हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। और ये देखिए स्कूबी माइक के ऊपर ही हैं, ये धूप सेक रहे थे। ये देखिए स्कूबी को, ये देखी देख रहा है इसको, ये है कि मैं कब नीचे आऊँ, मुझे मतलब कब होगा कि मुझे नीचे ले जाएँ। और छत के ऊपर मेरा भी यहाँ पर सामान काफ़ी हद तक ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कुछ सामान जो एक्स्ट्रा था वो भी ऊपर रख दिया था जब सारा यू नो पेंट वगैरह चल रहा था। तो पेंट का सामान भी सारा ऊपर ही है, तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो नीचे तो आपको पता है अभी धीरे धीरे करके सारा मैं समेटूंगी। तो यहाँ पे ना एमरोज़ के ही मोस्टली कपड़े हैं, एमरोज़ के। अभी मैंने घर पे हूँ तो डायपर वगैरह नहीं लगाती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिना डायपर को ही उसको रखूँ, तो उसके यू नो कितने कपड़े हो जाते आपको पता ही है। तो गर्मी सर्दी वाले जितने भी उसकी जो पजामी वगैरह थी वो सारी मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों स्कूबी और माइकी इस तरह से बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। इनको धूप सेकना बहुत पसंद है, मतलब गर्मियों में इनको ये है कि हमें बस एसी में रखो और सर्दियों में इनको धूप में चाहिए। तो ये देखिए, ये एमरोज़ भी मेरे पास यहाँ पे खड़ा देख रहा है, क्योंकि मिस्टर गैरी हम दोनों एक ही साथ ऊपर आ गए थे।
और इनको अमरोज को होता है, जिस दिन मैं घर पे रहूँ तो हर वक्त अमरोज बस मेरे आसपास ही रहे, इसको ये होता है। इस वक्त भी आपको शायद इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, ये पीछे ऊँ ऊँ कर रहा है ना तो बस इस तरह से ये हमेशा इसको अपनी अटेंडेंस देनी ज़रूरी होती है कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, मतलब कि हमेशा हर जगह के ऊपर। अगर फ़ोन कॉल आता है ना तो सबसे पहले मेरे को बात नहीं करने देता, ये खुद बोलता है कि मुझे बात करने दो, अगर नहीं देते तो फिर चिल्लाता है, गुस्सा भी करने लगा है आप अभी। ये देखिए ये किस तरह से मेरे से बात कर रहा है, बहुत क्यूट सी हरकतें करता है बहुत ज़्यादा। कि एक किसी दिन मैं आप लोग लाइव आऊँगी ना, जिस दिन आपको दिखाऊंगी कि अगर ये मूड में होगा तो आपको पता चलेगा ये कितना ज़्यादा क्यूटी क्यूटी पाई सी है जो हमारी हंसी शरारतें करती है। तो ये देखिए एमरोज के ही सारे कपड़े हैं यहाँ पे, मैंने उसके सारे के सारे कपड़े धो दिए हैं। आपको पता है ना बस धोने पड़ते हैं, बच्चा कितनी जल्दी कपड़े उसके चेंज करने पड़ते हैं, ये तो ऐसा ही मेरा अभी काम चल रहा है। बस मैंने एक अपना जो है वो कोट जो है जैकेट है एक्चुअली वो वाली मैंने एक अपनी धुली थी, और बाकी मैं फिर से मैंने मशीन लगा दी थी। मैं सारे काम करके फ्री हो गई थी और मैं अभी नहा के मैंने सोचा चलो डिनर रेडी कर लें, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। तो जब मैं डिनर रेडी कर रही थी तो मैंने कुकर में जो दाल बना रही थी काली दाल तो वो लगा दी, और मैंने सोचा चलो अभी सीटी बज जाएगी और मैं तब तक अपना तड़का वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तड़का मैं सेक रही थी तो उसी वक्त अचानक से ना क्या हुआ, जो कुकर था उसमें स्टीम का लेवल बढ़ने लगा, और जो कुकर की ढक्कन की जो रबड़ होती है ना वो पता नहीं किस तरह से लूज हो गई, और जो कुकर है एकदम से मतलब के ब्लास्ट, एकदम से सारा गर्म जो उसमें पानी था दाल का वो एकदम से बाहर ऐसे उछल गया। तो ये देखिए गाइस मेरे किचन में ये क्या हाल हो रखा है, ये देखिए दाल अभी सारी जो है नीचे निकल गई है, तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर यहाँ पे पेंट किया था ना वो भी सारा कलर ख़राब हो गया, ये वहाँ पे भी सारे आ गए, ये टाइल्स पे भी लगी हुई है दाल के छींटे, और ये देखिए किस तरह से मेरी सारी किचन सारी सेल्फ मेरा सारा ये दाल देखिए बिल्कुल इतनी सी ही रह गई है, ये देखिए है ना एकदम से जब ऐसे ब्लास्ट हुआ ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आई और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, मतलब इतना अच्छा हुआ कि मतलब कि कुछ नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, तो बचाव हो गया है मतलब कि, लेकिन डर तो लग ही जाता है ना। ये देखिए सारी दाल इस तरह से गैस सारा भरा पड़ा है और कुछ पार्ट तो मैं तो आपको गाइस दिखा भी देखा नहीं ना आपने पाई। किस तरह से है, तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब डर गई थी, जो रबड़ होती है वो पता नहीं कैसे लूज होने लग गई और वो अभी निकलने लग गई है। तो मैंने तो अभी वो कुकर जो है वो अभी उसको अभी मैंने यूज करना छोड़ दिया है, मतलब कि अभी उसको साइड पे रख दिया है कि उसको वापस से उसकी नई रबड़ जो है वो मिलेगी तब जाके उसको यूज करूंगी। इतने अभी मतलब कि मैं दूसरा जो है मेरे पास एक और थोड़ा बड़ा वाला कुकर है उसी में ही अभी मैं खाना वगैरह बनाना शुरू करने लगी हूँ। तो छोटा वाला मैं इसलिए यूज कर रही थी क्योंकि हम दो जन हैं, हमारे लिए इतना इनफ है मतलब कि हम दोनों के लिए। अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मैं उस चीज का हमेशा रिप्लाई करती हूँ। आप बेझिझक मुझे कोई भी किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, लव के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, ब्यूटी के बारे में हो, कुछ भी टिप्स हो, तो कुछ भी अगर आपको कुछ भी पूछना की जरूरत लग रही है तो मेरे से बेझिझक जरूर पूछिएगा, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसकी आईडी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मैं आपको हर एक चीज का जरूर रिप्लाई दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।